छिड़ चुका है और ये युद्ध देखिए किस में छिड़ा है। यहाँ देखिए दोस्तों, सिपाही खिलौने के पीछे फाइट चली पड़ी है। यहाँ पर क्या हुआ बेटे? हाँ जी पापा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे देखिए वो तो जीत गया। चलो दोनों के पास एक एक गाड़ी है, ठीक है? ठीक है जी सर, अब आप अपनी गाड़ी से खेलो। ओहो ये तो भाग रही है आपकी गाड़ी यार। तो इस तरह की हमारी डेली की मॉर्निंग होती है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, क्योंकि अब बच्चे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा, नहीं तो सुबह सुबह काम के लिए भागना पड़ता है दोस्तों। और मम्मी और मेरी मैडम निकल चुकी है घास काटने के लिए, वो तो काफी सुबह निकली है एंड पीछे धूप निकलने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे अब इस टाइम कोट काट लगा के कहाँ जा रहा है, तो एक्चुअली मैं दोस्तों आज हमारे आराध्य जिहर देवता जी का होम है और मैं उसके लिए जा रहा हूँ जहाँ हमें जाना पड़ता है दोस्तों। और आपको भी दिखाएंगे किस तरह का वो होम होता है। और कल दोस्तों पुंडरीक ऋषि जी का शाही स्नान होगा और उस ब्लॉग का दोस्तों बेसब्री से इंतज़ार करना, क्योंकि वो बहुत ही टॉप क्लास होने वाला है ब्लॉग। एंड दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया है सबको प्यार देने के लिए, और प्लीज़ दोस्तों थोड़ा सा सब्सक्राइब शेयर करने में आप लोग जो है पीछे ना हटे। एंड दोस्तों ठीक है, अभी मिलेंगे हम और दिखाएंगे, हो सकता है वहाँ शोर हो तो मैं दोस्तों सिर्फ झलकियाँ ही दिखाऊंगा, लेकिन दिखाऊंगा ज़रूर दोस्तों, क्योंकि मेहनत का फल जो है कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरे साथी मुझे मिल गए हैं। हेलो गाइस, इनको तो जानते ही है उब्रे को आप, और ये है योगी, योगी बाबा, और हम जा रहे हैं साथ में मिलके। थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कैसा है एटमॉस्फेयर अभी यहाँ का तो मैं दोस्तों, क्योंकि शाम हो गई है। तो देखिए दोस्तों ये कॉलोनी हुआ करती थी यहाँ पे पहले, अभी बीमारी मोटी है लेकिन वो खत्म हो चुकी है अब। ये देखिए दोस्तों वहां पे आगे पावर हाउस है दोस्तों, उसको दिखाएंगे कभी आपको नेक्स्ट टाइम। और ये बैठे हैं अभी यहाँ पे आराम से। हेलो गाइस, हेलो दोस्तों, इस तरह का रोड है, बहुत ही खराब है, ऐसी हालात खराब हो गई है दोस्तों, क्या ही बोले। राइडर यहाँ मायूस हो गए हैं, पूरी तरह से हालात खराब हो गई दोस्तों, हाथों में दर्द हो गई बाइक को पकड़ पकड़ के। तो अभी हमें यहाँ पर गाड़ी मिल गई थी दोस्तों, और हम यहाँ से गाड़ी में जा रहे थे, क्योंकि आप खुद देखिए रोड कैसा था, यहाँ से ऊपर बाइक ले जाना बहुत ही रिस्की होता, बाइक स्लिप हो रही थी दोस्तों। तो दोस्तों देवली कार्रवाई यहाँ पे चल पड़ी थी और जब हम पहुँचे, और इस तरह की देवली कार्रवाई होती है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो अभी आप जिन स्क्रीन दूर है और ये दिन दुखियों का निवारण करते हैं, इनमें इस टाइम देवता आता है दोस्तों, ऐसी मान्यता है जो है वो हमारे लिए। अभी जिनकी आवाज आप सुन रहे हैं दोस्तों, ये हमारे जिला परिषद श्रीमती देवा सिंह जी है, और यहाँ पे ये चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। यहाँ पे लाइट एक्स्ट्रा होने की वजह से दोस्तों मोबाइल में आगे नहीं दिखा पा रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों इस टाइम नाइट प्रोग्राम चला हुआ है, इस तरह का नाइट प्रोग्राम हो रहा था दोस्तों,
थोड़ा सा आप भी सुन लीजिए और देख लीजिए, क्योंकि यहाँ लाइट बिल्कुल सीधी लगी थी और मोबाइल में बिल्कुल भी ढंग से नहीं दिखा रहा था दोस्तों। आई होप आप लोगों को फिर भी अच्छा लगेगा। और ये मेरे एक फ्रेंड सर्कल के बंदे का प्रोग्राम था दोस्तों, और बहुत अच्छा गाता है ये बंदा, तो थोड़ा सा आप भी सुन लीजिए। और ये मेरे दादाजी लगते हैं रिश्ते में, और इन्होंने आकाशवाणी शिमला में भी अपनी प्रस्तुति दी है दोस्तों, इसलिए मैंने इनकी क्लिप ली है। और साइड में इनके बड़े भाई नाच रहे हैं, आप थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों। इनका नाम शोभा राम जी है दोस्तों, और मैंने लाइट का प्रभाव कम करने के लिए हाथ लगाया था आगे, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों। तो पूरी रात इंतज़ार करने के बाद दोस्तों हमारी इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हो चुकी थी, और ये मैन जो होम होता है दोस्तों इस टाइम चल पड़ा था यहाँ पे, और आप इस चीज़ की झलकियाँ लीजिए। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सबको बहुत पसंद आएगा दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इन्हें हम रथ बोलते हैं, जो देवताओं की प्रतिमाएं ये बनी हैं। तो दोस्तों ये इस तरह से झुक के हमें आशीर्वाद देते हैं दोस्तों। और ये लगभग सुबह 5:30-5:30 बजे के बीच का टाइम है दोस्तों, पूरी रात हम इसी टाइम का इंतज़ार कर रहे थे, और इससे पहले बहुत सांस्कृतिक संध्या चल रही थी दोस्तों। और ये देवता जहर के गोर है श्री धनी राम जी, और अब ये दो गुरु का मिलन हो रहा है दोस्तों। और आप जिन महिला को अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनमें भी देवता आता है अभी, और देखिए कैसे जलती मिसालों को जो है ये इस टाइम हाथ से पकड़ते हैं, ये साक्षात हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद दिखता है दोस्तों।
तो फाइनली दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, सुबह हो गई है इस टाइम और सुबह के लगभग 6 बज चुके हैं। पूरी रात हम सोए ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सोने का वैसे टाइम भी नहीं मिलता है। और रात को सांस्कृतिक संध्या प्रोग्राम भी होता है और देवली भी होती है दोस्तों। एंड आई होप दोस्तों, आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी। और जहर देवता से मेरी प्रार्थना है, जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है दोस्तों, उसके परिवार, धन संपत्ति सब का जो है ध्यान रखे। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी वीडियो को जो है शेयर करें। इस तरह की प्राचीन जो हमारे फेस्टिवल है दोस्तों, ये हमारी एक धरोहर है और मैं चाहता हूँ ये धरोहर सदा मेरी वीडियो के माध्यम से लोग देखते रहें दोस्तों।